मारूफ गुलुकारा और अदाकारा हदीका कियानी ने इंकिशाफ किया है कि उन्होंने तलाक अपने गोद लिए बेटे के लिए ली थी। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अपने बेटे के लिए शादी की और उसी की खातिर शोहर से तलाक भी ले ली, जिसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2005 के खौफनाक जलजले के दौरान उन्होंने ईदी फाउंडेशन से एक बच्चा गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने नाद अली रखा। हदीका कियानी का कहना था कि बच्चे को गोद लेना उनकी जिंदगी का सबसे हसीन तजर्बा था और वो अपने बेटे के लिए बहुत हसास हैं। नाद अली की परवरिश में कोई कमी ना रहे और उसे बाप का प्यार देने के लिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया और एक बरतानवी ताजिर से शादी कर ली। गुलुकारा का शादी करने का मकसद बेटे को बाप का प्यार देना था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाइस उन्होंने शोहर से खुला ले ली और अब वो बेटे के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, जिसकी तस्वीर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करती रहती है। एमपी न्यूज सवाल समेत मुल्की और गैर मुल्की खबरें आप तक पहुंचाए सबसे पहले। ताज़ा तरीन खबरें हो या अवामी मसाइल हो, एमपी न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले। सियासी मैदान हो या हो खेल का मैदान, हम पहुंचाएंगे सबसे पहले खबर एमपी न्यूज पर। अब आपकी आवाज बनेगा एमपी न्यूज सबसे पहले, तो अभी फेसबुक पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए एमपी न्यूज को।